और एक अहम खबर। ही न्यूज़ के नाजरीन को मेरा आदाब। तूफान अम्फान ने गार्डन रिच मटिया ब्रिज में मचाई तबाही। मगरबी बंगाल में आए तूफान अम्फान ने रियासत के 6 अजला को जहां सख्त मुतासिर किया है और वहीं इस हादसे में करीब 12 लोगों की मारे जाने की खबर है। वहीं शहर निसात के सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला इलाका गार्डन रिच मटिया ब्रिज भी तूफान अम्फान के कहर का शिकार बना, जहां निज़ाम ज़िंदगी पूरी तरह दरम बरम होकर रह गई है। तकरीबन 135 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली तूफानी हवाओं ने गार्डन रिच के लाइफलाइन माने जाने वाली रोड वाजिद अली शाह रोड, जिसे गार्डन रिच रोड भी कहा जाता है, तूफान अम्फान ने अपनी पूरी ताकत का मुजाहरा पेश किया है, जिसके नतीजे में बादशाह वाजिद अली शाह का बनाया हुआ शाही इमामबाड़ा और कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी CESC की दीवारें या फिर बच्चों के लिए बनाया गया APJ अब्दुल कलाम पार्क और मुतअद्दिद जगह हैं जो तबाही की मुंह बोलती तस्वीर हैं। तहम इस पूरे वाक़े में अच्छी बात यह रही है कि अभी तक किसी किस्म की जानी नुकसान की खबर सामने नहीं आई है, जबकि माली खसारे की बात की जाए तो इसका अंदाज़ा लगाना अभी मुश्किल है, क्योंकि इंतज़ामिया के लोग अभी सड़कों को साफ और क्लियर कराने और आमदोरफ्त को बहाल कराने के अलावा मोबाइल और टेलीफोन सर्विस को रेगुलर करने में मसरूफ़ हैं। नाज़रीन, अगर आपको ख़बर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर ज़रूर करें। आदाब।